गिरों में से एक हूं। So I'm also just going on. मैं भी आगे जा रहा हूं। But they invited him that night. पर उन्होंने उस रात, उस खास रात उन्हें उसे आमंत्रित किया। You can't go like that. तुम ऐसे नहीं जा सकते आप। You have to sup with us. आपको हमारे साथ भोजन करना ही पड़ेगा। Sup with you. आपके साथ भोजन? I have sup before. हाँ, मैंने कहीं पहले भी किया है। And when he sat on the table. जब वो मेज पे बैठा। Oh, I love that. Amen. मुझे बहुत पसंद है। I love that statement the prophet made. ओ, मुझे वाक्य बहुत पसंद है जब नबी ने बोला। There was a way he used to break bread. एक खास तरीका था जिसमें वो रोटी को तोड़ता था। And they knew it. और वो जानते थे। And when he broke that bread. और जब उसने रोटी को तोड़ा। Their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई। The veil dropped. ओ, पर्दा गिर गया। Now they knew. अब वो जान गए। Oh, this is Jesus. ओ, ये तो यीशु है। And he vanished. वो गायब हो गया। Is that what happened? क्या ये था जो हुआ? Let me tell you. मैं आपको बताना चाहूंगा। Who is the one who breaks bread amongst us? कौन है वो जो हमारे मध्य में रोटी तोड़ता है? Who speaks these things? कौन है वो जो इन बातों को बोलता है? Amen. Who is the one who says even today and things happen? कौन है वो जो कि यहां तक कि आज बातों को बोलता है, चीजों को, और वो घट जाती है? Who is the one who gives inspiration? कौन है वो जो प्रेरणा देते हैं? Who is the one who speaks And you say, I was thinking the same thing. Amen. कौन है वो जो बोलता है और आप ये कहते हैं कि अरे मैं भी यही सोच रहा था। I was reading the same message. मैं इसी संदेश को पढ़ रहा था। I was thinking the same thoughts. मैं उन्हीं विचारों को सोच रहा था। Does brother Ashish know you? क्या भाई आशीष आपको जानते हैं? Of course not. बेशक नहीं। No human being can know anybody. No, कोई भी इंसान किसी शख्स को नहीं जान सकता। Then you know it has to be somebody more. तब आप जानेंगे किसी और इससे बढ़कर की जरूरत है। Who is here? जो कि यहाँ है। But the point is. पर बात यह है, you feel those tugs. आप उन झटकों को महसूस करते हैं। One day, एक दिन, one of these days, इन्हीं किन्हीं दिनों में, the tug will become a pull. जो झटका है, वो एक खिंचाव बन जाएगा। And such a pull, और ऐसा खिंचाव, you'll be pulled up. कि आप ऊपर उठा लीजिए। The high priest will pull you up where he is. महायाजक आपको वहां खींच के ले जाएगा जहां पर वो खुद है। I go to prepare a place for you. मैं आपके लिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। There where I am, कि जहां मैं हूं, there you may be also. तुम भी वहां हो। जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कल आज और युगानुगी एक समान। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं। दैट सेम जीसस, वही यीशु। आमेन, आमेन। इफ यू कैन जस्ट बिलीव इट टुनाइट, अगर आज रात्रि आप इस पे विश्वास कर पाए। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग दीज मीटिंग्स। मैं नहीं जानता क्यों इन मीटिंगों में ऐसा हो रहा है। That it comes to such a point. कि वो इस ऐसे बिंदु पे आती है। That we give you an opportunity to think. कि हम आपको मौका देते हैं कि अब आप सोचिए। Brother, भाई, if you can look beyond the veil. अगर, amen. अगर आप पर्दे के परे देख पाए। If God can show you that grace, say, Lord, open my eyes. अगर खुदावन आपको अनुग्रह दे, कहिए खुदावन मेरी आंखें खोल दे। Let me see you. मैं आपको देखना चाहता हूं। Would he do it? क्या वो नहीं करेंगे? Oh, of course he would do it. बेशक वो करेंगे। And when he would take off that veil. और जब वो उस पर्दे को हटाएंगे। And you see him. और आप उसे देखेंगे। Oh, it would be another day. Oh, ये एक और दिन होगा। It was a day when they were crestfallen. Oh, एक ऐसा दिन था जब वो बिल्कुल टूट चुके थे। उनके अंदर बिल्कुल हियाव नहीं था। Their Jesus had been gone. उनका यीशु चला गया था। That's how they were thinking. ये वो चीज़ वो सोच रहे थे। Let me close my message here. आइए मैं अपना संदेश यहाँ बंद करूँगा। They were thinking he's gone. वो सोच रहे थे कि वो चला गया। He was there with them till Good Friday. वो उनके साथ Good Friday तक तो था। They failed to understand the prophecy for that day. वो उस भविष्यवाणी को उस दिन के लिए जो थी समझने में चूक गए थे। Some sisters were spreading a news. कुछ बहनें जो हैं कुछ खबर फैला रही थीं। He's risen. वो जी उठा है। Some people were saying he's risen. कुछ लोग कह रहे थे वो जी उठा है। Are you listening, brother? क्या आप सुन रहे हैं भाई? There are some testimonies. कुछ गवाहियां हैं. Who says he's risen? जो कहती हैं कि वो जी उठा है. But they didn't know still that he's risen. पर वे अभी तक नहीं जानते थे कि वो जी उठा है. Let me tell you. आइए मैं आपको बताऊंगा. Knowing him that he's risen is an experience. उसको जानना कि वो जी उठा है ये अपने में एक अनुभव है. Until he comes personally and reveals himself to you, you'll never know he's risen. जब तक कि वो खुद व्यक्तिगत तौर पे आपके पास आके ना दिखाए कि वो जी उठा है, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो जी उठा है। But he is. पर वो जी उठा है। Amen. That same God. वही खुदा।
who spoke in Jeffersonville. जो जेफरसनविले में बोलता था. Preached in Topeka. Topeka में प्रचार करता था. Preached in Los Angeles. Los Angeles में प्रचार करता था. Preached in San Bernardino. San Bernardino में प्रचार करता था. Modern events made clear by prophecy. भविष्यवाणी द्वारा स्पष्ट की हुई आधुनिक घटना है. Do you know that same Jesus? क्या जानते कि वही यीशु is alive here right now? ठीक इसी वक्त यहाँ जीवित है. Yes, Lord, we believe. जी हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं. Help thou our unbelief. हमारे अविश्वास का उपाय कीजिए कृपया. If you can just believe it, brother. अगर आप केवल विश्वास कर पाए मेरे भाई. And I want to tell you, my brother. और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई. The Holy Ghost is lingering. पवित्र आत्मा रुका हुआ है. Why he's waiting? क्यों वो इंतजार कर रहा है? He wants to bless you. वो आपको आशीष देना चाहता है. If you are ready to take that blessing, अगर आप उस आशीष को लेना चाहते हैं, you can take that blessing tonight. तो आज रात्रि उस आशीष को आप पा सकते हैं. Whenever that Melchizedek came, जब भी कभी वो मलकीजेदेक आया, he came to bless. वो केवल आशीष देने आया. He came to bless Abraham. वो अब्राहम को बरकत देने आया. And if he's alive here, brother, and he is. और अगर मेरे भाई वो जीवित है, और हाँ बेशक है वो यहाँ पर. But you know what? आप जानते हैं क्या? It was not just listening a good message. ये केवल एक भला संदेश सुनना मात्र नहीं था. They invited him. उन्होंने उसको निमंत्रण दिया. Come to our house. हमारे घर में आइए कृपया. You see, you have to invite him. Amen. आप पाएंगे कि आपको उसको निमंत्रण देना होगा. Behold, I stand at the door and knock. देखो, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ. If anybody will open his house. अगर कोई अपने घर को खोले. And open the door. और द्वार को खोल दे. I will come in with him. मैं अंदर उसके भीतर आऊंगा. And I will sup with him. और मैं उसके साथ भोजन करूंगा. If you can open that door tonight. अगर आज रात्रि आप उस द्वार को खोल पाए. He is more than ready to sup with you. वो बहुत आयत से तैयार है कि वो आपके साथ भोजन करे. If you are ready to die to yourself. अगर आप अपनी खुदी से मरना चाहते हैं. He want to lay at his feet. और आप उसके पैरों में पड़े रहना चाहते हैं. You have an opportunity tonight. आज रात्रि आपके पास एक और मौका है. To come before him and say, Lord, आप उसके पास आए हो कहे प्रभु. I want to die to myself and thoughts. मैं अपने विचारों और अपनी खुदी के लिए प्रभु मरना चाहता हूँ. But Lord, these are my wills and wishes. पर खुदावन ये मेरी इच्छाएं और ख्वाहिशें हैं. Lord, may you give me. खुदावन काश आप दीजिए मुझे. May you bless me. काश आप मुझे आशीष दीजिए. May you lift me up, Lord. काश आप मुझे उठाइए प्रभु. I need your blessings, Lord. मैं आपकी आशीषें चाहता हूँ प्रभु. I invite you tonight. मैं आपको आज रात्रि निमंत्रण देता हूँ. I heard you. मैंने आपको सुना है. And my hearts were also burning. और मेरे हृदय भी जल रहे थे. But I won't stop at that. पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा खुदावन. Won't you sup with me? क्या आप मेरे साथ भोजन ही नहीं करेंगे? And the Bible says. बाइबल कहती है. When he broke the bread. जब उसने रोटी को तोड़ा. Their eyes were opened. उनकी आंखें खुल गई. That same Jesus is here. वही यीशु यहाँ मौजूद है. On one hand, he says, "Fools." एक तरफ तो वो उनको मूर्ख कह रहा है. On the other hand, दूसरी तरफ, he goes to their house. उनके घर में जाता है. That's his love. उसका प्रेम है. He understands who we are. वो समझता है कि हम कौन हैं. A needy people. एक जरूरतमंद लोग हैं. If you feel that need tonight, अगर आज रात्रि आप उस जरूरत को महसूस करते हैं, maybe for yourself. शायद हो सकता है अपने लिए. Maybe for your loved one. हो सकता है अपने किसी प्रियजन के लिए. Or whatever it is. या जो कुछ भी है. Or seeking the Holy Ghost. या पवित्र आत्मा की खोज में है. Or want to renew your experience like Jacob did. या आप अपने अनुभव को याकूब की मानिंद फिर से नया करना चाहते हैं. You have an opportunity. आपके पास एक मौका है. Don't let it pass away. आपके सामने से गुजरने ना जाने दीजिए. Otherwise it'll be too late. नहीं तो बहुत देर हो जाएगी. A sister came to Brother Branham. एक बहन भाई ब्रह्म के पास तो आई. And she said, I won't give my cow that religion you preach. और उसने कहा कि मैं अपनी गाय को भी वो धर्म नहीं दूंगी जो तुम प्रचार करते हो. After a few hours, मुझे घंटे पश्चात, she was dying on a hospital bed. वो एक अस्पताल में एक बिस्तर पे मर रही थी. And she didn't even know what she is. और वो यहाँ तक ही नहीं जान पाई थी कि वो कौन है. She just cried, I'm lost. उसने बस ये चिल्ला के बोला कि मैं खो चुकी हूँ, बर्बाद हो गई. She missed her opportunity. उसने अपने मौके को खो दिया. My precious brother. मेरे एक प्यारे भाई. God gives an opportunity. खुदा उन्हें एक मौका देते तो है. And it is for you and I. और ये आप क्यों मेरे लिए होता है. Never miss that opportunity. कभी भी उस मौके से वंचित ना रह जाइए. Take decision like Ruth did. रूथ की माने आज ही फैसला कीजिए. Take decision like Peter did. पतरस की मानिंद एक
एक फैसला कीजिए, निर्णय करिए कि हम किसके पास जाएं। Thou hast the words of eternal life. अनंत जीवन की बात केवल तेरे पास है। And if you can just believe, और केवल अगर आप विश्वास कर पाए, let me tell you, brother, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, is more than able to give you what you want. वो बहुतायत से योग्य से बढ़कर है आपको दे पाए जो कुछ आप चाहते हैं। I cannot come to your house. मैं आपके घर नहीं आ सकता। But I can still come to your house. पर तो भी मैं आपके घर भी आ सकता हूँ। Just think that I am in your house. सोच के देखिए, इस बात को सोचिए कि मैं आपके घर में हूँ। Just think when you are playing this tape message. जब आप इस संदेश को, इस मैसेज को चला रहे हैं। I am in your house. मैं आपके घर में हूँ। And I want to pray for you. और मैं आपके लिए दुआ मांगने आया हूँ। If you can think on that. अगर आप ऐसा सोचिए। I'll be praying for you. मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा। Just get down on your knees. ठीक अपने घुटनों पे आइए। And while I'm praying for you, you also pray. और जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी प्रार्थना कीजिए। ब्रदर, भाई, एंड सिस्टर, और बहन, दिस ओल्ड टाइम गॉस्पल हैज पावर। इस पुराने समय की सुसमाचार में सामर्थ्य है। इट्स मोर देन एबल टू डू एनीथिंग। ये कुछ भी करने के लिए योग्य से बढ़कर है। इफ आई नो ऑल द मिस्ट्रीज, अगर मैं सारे भेदों को जान जाऊं, इफ आई डोंट हैव लव, मेरे पास प्रेम ना हो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, still not born again, अभी तक नया जन्म नहीं, just have a knowledge of things, केवल चीजों का ज्ञान है, let us not befool ourselves, आइए हम अपने आप को धोखा ना दें, the life bears witness, जीवन अपनी गवाही देता है, and not just that, केवल यही नहीं, the evidence proves, जो सबूत है, वो साबित करता है, you become a part of the mystery of God, कि आप स्वयं खुदा के भेद का हिस्सा बन जाते हैं, and he starts working his plan through your life, और वो अपने योजना, amen, आपके जीवन से कार्यान्वित करने लगता है, he is that same Jesus, वो वही यीशु है, just get down on your knees, केवल अपने घुटनों पे आ जाइए, you might be in a hopeless situation tonight, हो सकता है कि आप आज रात्रि आशाहीन स्थिति में हो, but I am in your house, पर मैं आपके घर में हूँ, this voice is in your house, amen, ये आवाज आपके घर में है, to pray with you, brother, ताकि भाई आपके साथ दुआ करे, you might be that Memphis woman, हो सकता है वो Memphis की स्त्री हो, you might be the one with a hopeless child, आप एक ऐसे बच्चे के साथ हो जो आशाहीन स्थिति में है, you might be a hopeless case tonight, brother, आज रात्रि आप एक आशाहीन केस हो, but let me tell you, nothing is impossible, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ भी असंभव नहीं है, if you can believe, अगर आप विश्वास कर पाए, that same Jesus Christ, वही यीशु मसीह, who is the same yesterday, today and forever, जो कि कल आज और कल एक समान है, Hebrews 13:8 was not erased after 1965. This very Tuesday night, 2021. If you can believe, brother, अगर आप विश्वास कर पाए मेरे भाई, he's making a call. वो आपको एक बुलाहट दे रहा है, to his own. अपनों को. My sheep will hear my voice. मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनेंगी. And if you are one of his lambs. और अगर आप उसके मेम्बरों में से एक हैं. The great shepherd is here. वो महान चरवाहा यहाँ मौजूद है, to talk with your heart, ताकि आपके हृदय से बात करें, pull you brother, क्या आप नहीं करेंगे मेरे pull, भाई, to pull you brother, ताकि आपको खेचे मेरे भाई, pull you my sister, ताकि आपको खेचे मेरी बहन, it's not me brother, ये मैं नहीं हूँ मेरे भाई, I can't do these things, मैं इन चीजों को नहीं कर सकता, but there's somebody here, पर ये कोई और है जो यहाँ है, I believe the Lord is here, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यहाँ मौजूद है, and I preached it on Sunday, और मैंने इसका संडे को प्रचार किया, to make any headway in this message any further, you have to believe in the ministry, amen, कि अगर आप कोई प्रगति करना चाहते हैं इस संदेश में कहीं भी, तो आपको सेवकाई पे विश्वास करना पड़ेगा, you have to believe in the commission of William Branham, आपको भाई ब्रैनम की कमीशन पे विश्वास करना पड़ेगा, and if I am a small minister under that same message, और अगर मैं एक छोटा सेवक हूँ उसी खास संदेश के नीचे, bringing you this altar call, जो कि मैं आपके सामने इस altar call को लेके आता हूँ, you have to believe, आपको विश्वास करना पड़ेगा, that same pillar of fire, amen, कि वही आग का खंबा, that same angel, वही दूत, is right now where you are, ठीक इसी वक्त जहाँ पर आप हैं, वो मौजूद खड़ा है, you are in need, आप जरूरत में हैं, let me pray for you, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, Lord Jesus, प्रभु यीशु, oh Lord, I just don't want to make meaningless pulls, oh खुदावन, मैं बिल्कुल व्यर्थहीन ऐसे खिंचाव नहीं रखना चाहता, but I know, पर मैं जानता, how can I say I don't know, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता, you are that same living God, कि आप वही जीवते खुदा हैं,
You are the same yesterday, today, and forever. आप कल, आज और गानुक एक समान हैं. Who was it that came in that room? कौन था वो जो उस दिन कमरे में आया? And saved me. और मुझे बचा के ले गया. Heal me. मुझे चंगाई दी. Who was the one who spared my life? कौन था वो जिसने मेरे जीवन को बख्शा? Who was the one who created so many testimonies? कौन था वो जिसने इतनी बेशुमार गवाहियां पैदा करी? Who's the one who's preaching these messages? कौन है वो जो इन संदेशों का प्रचार करता है? I know by my own mind I can't do it. मैं जानता हूं प्रभु मैं अपनी अकल से इसको नहीं कर सकता. But you show these things. पर आप इन चीजों को दिखाते हैं. But Lord, पर प्रभु, in this hour, इस घड़ी में, you are giving a call to your own. आप अपनों को एक बुलाहट दे रहे हैं. Come back. वापस आओ. Return back. वापस लौटाओ. Come back in line. वापस पंक्ति में आकर चलो. I want to bless you. मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ. Lord, there are so many hands who have gone up. ओ प्रभु, इतने सारे हाथ हैं जो उठे हैं. They are praying with me in their homes. वो अपने घरों में मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं. Even these brothers and sister who are a sister who is here, they have lifted their hands and praying to you. ओ खुदावन, यहाँ तक कि जो भाई और एक बहन यहाँ पर जो मौजूद हैं, वो भी अपने हाथ उठा के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं. This world is coming to an end, Lord. प्रभु, ये दुनिया खात्मे में आ रही है. There's a dark, dingy shadow on this earth. एक बहुत घोर, घिनौना अंधकार, एक परछाई है इस पृथ्वी पे. But Lord, we know. पर हम जानते प्रभु. Soon there'll be a glorious millennium. जल्दी ही वो महिमा में 1,000 सालाना बादशाहत आने वाली है. But before that. और उससे पहले. While we can feel that pull. जबकि हम उस खिंचाव को महसूस करते हैं. Lord. प्रभु, give us eyes, हमें आंखें दें, to look beyond the veil, ताकि हम पर देखे, amen, परे देख पाए, yes Lord. Lord, I want to pray for them. प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. I want to pray for my brother. मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. Who is in need tonight? ओह, जो आज ज़रूरत में है. I'm praying for my sister tonight. मैं अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. Who is in a need, Lord? जो एक जरूरत में है प्रभु. You are that same high priest. आ वही महायाजक हैं. Who can be touched by the feeling of our infirmities? जो कि हमारी निर्बलताओं की भावनाओं में छुए जा सकते हैं. Lord, प्रभु, whatever the need is, जो कुछ उनकी जरूरत है. They might be needing a healing, Lord. हो सकता है उन्हें किसी चंगाई की जरूरत हो प्रभु. They might be praying for a loved one. हो सकता है वो अपने किसी प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हो. Maybe they are in a tight position and they need that you deliver them. हो सकता है वो ऐसी कश्मकश में हो खुदावन, फंसे हुए हो और आप आपसे विनती करते कि आप उन्हें छुड़ा लें. Maybe they are praying for their own soul. हो सकता है वो अपने प्राण के लिए दुआ मांग रहे हो. And this night they want to give themselves to you. और आज रात्रि अपने आप को आपको देना चाहते हैं. Oh God, I pray for them. ओ खुदावन, आपके लिए मैं आपसे उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. Accept these souls, Lord. इन प्राणों को ग्रहण कीजिए प्रभु. As your trophies. अपनी ट्रॉफी के रूप में. We come humbly to you. हम दीनतापूर्वक आपके पास आते. Ready to lay down at your feet. आपके कदमों में लेटना चाहते हैं खुदावन. Bless these people. इन लोगों को बरकत दें. Fill them with your love. इन्हें अपने प्रेम से भर दें खुदावन. Fill them with your life. अपने जीवन से भर दें. Take away the satanic nature from them. उस शैतानी स्वभाव को इनमें से निकाल दें. And those who are praying for the Holy Ghost. और वे जो आज पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं. Fill them with that Holy Ghost. ओ खुदा, उन्हें पवित्र आत्मा से बहुतायत से भर दें. And those who are praying for a renewal of their experience like Jacob did. और खुदावन, जो प्रार्थना करते हैं अपने अनुभव के ताजे होने के लिए जैसे याकूब ने दुआ करी. Renew that tonight. आज रात्रि उसे ताजा कर दें खुदावन. Let it become Penuel for them. ओ उनके लिए एक पेनुएल बन जाए खुदावन. Have mercy. Lord, अनुग्रह करें खुदावन. Reveal to my brother, my sister, their new names. मेरे भाई, मेरी बहन को आप नए नाम का प्रगटीकरण दें. Let their eyes be open to the scriptures they are. ओ खुदावन, इनकी आंखें खुल जाएं उन आयतों के लिए जो वो हैं. They are not just a clod of Delhi or an India dust. ओ खुदावन, ये केवल एक मिट्टी के लौंदे नहीं, मात्र दिल्ली की या हिंदुस्तान की मिट्टी के. They are sons and daughters of God. ये आपके बेटे और बेटियां हैं. Oh God. ओ खुदावन. Show mercy tonight. आज रात्रि अनुग्रह दिखाइए. I'm praying for them. मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. As their pastor, Lord. उनका पास्टर होने के नाते. I intercede for them. मैं उनके लिए बिछवाई में खड़ा होता हूँ. I pray for them, Lord. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. Forgive them. उन्हें माफ करें. Amen. Have mercy on them. उन पे अनुग्रह करें खुदावन. While they are praying to you, Lord, tonight. जबकि आज रात्रि वो आपसे दुआ मांगते हैं.
Forgive them, Lord. प्रभु उन्हें माफ करें. Forgive me, my unbelief. मुझे माफ करें, मेरे अविश्वास को माफ करें, खुदा. Even something wrong I said, forgive me. Oh, अगर मैंने कुछ गलत बोला है, मुझे माफ करें. Wash me, wash all of these with your precious blood. मुझे धोएं, अपने हर एक जन को धोएं, अपने बेशकीमती लहू से, खुदा. While we want to cling tightly to this rope. Amen. जबकि हम बहुत कस के इस रस्सी को पकड़ना चाहते हैं. We seek your grace, Lord. हम आपके अनुग्रह की खुदावन खोजी हैं. Lord. प्रभु, you're a God of paradox. आप पैराडॉक्स के खुदा हैं. आमीन. You shifted the sun back 10 degrees. Oh, 10 डिग्री पीछे आपने सूरज को पीछे ले गए थे खुदावन. In the time of Ahaz. अहाज के जमाने में. You stopped the sun a whole day. आपने पूरे एक दिन सूरज को रोक के रखा. In the time of Joshua. यहोशू के समय में. You are a God of paradox. आप पैराडॉक्स के खुदा हैं. Oh God. ओ खुदावन. Hello shrimp. ओ खुदावन, एक छोटी मछली. I'm boy, but Branham said. भाई ब्रैनम ने कहा, एक लड़का. A little shrimp. एक छोटी श्रिंप. Not enough power. कोई ज्यादा ताकत नहीं. Stooped shoulder. ओ, एक छोटा सा उसके कंधे झुके हुए. With seven curly locks. ओ, सात लटे खुदावंद उसके साथ. What a paradox. ओ, क्या अजूबा था. Took his skinny hands. और उसने अपने अपने सुकड़े हुए हाथों को लिया. And ripped a lion apart. और एक शेर को फाड़ डाला. Took the doors of a fort and lifted it up on a mountain. एक बड़े खुदावन किले की दीवार दरवाजों को उठाया और उन्हें पहाड़ पे लेके चढ़ गया. Oh God, that was paradox. Oh खुदावन, ये एक अजूबा था. Oh, we have just gone through the heroes of faith, Lord. Oh खुदावन, अभी हमने हाल ही में कुछ दिनों पहले उन विश्वास के योद्धाओं को देखा है. Lord, प्रभु, then I pray tonight. तब आज रात्रि में प्रार्थना करता हूँ. These hands which are lifted up. ये हाथ जो उठे हैं खुदावन. Their expectations. ये बड़ी अपेक्षाओं के साथ हैं खुदावन. They know you are a God of paradox. ये जानते हैं कि आप एक अजूबे के खुदा हैं. Do a paradox in their lives. एक अजूबा खुदावन के जीवनों में करें. You can resurrect a dead issue. आप एक मृतक इशू को आप जिला सकते हैं खुदावन. Son of man, मनुष्य का पुत्र. Can these bones live? क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? Yes, Lord, we believe. जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं. You are a God of paradox. आप एक अजूबे के खुदा हैं. Spring new hopes. ओ, नई आशाओं को लेके आते हैं. And not just hopes, Lord. केवल आशा नहीं. Do a miracle. पर एक अजूबा करते हैं. Do a paradox, Lord. एक अजूबा करते हैं. In the lives of these who have raised their hands. इनके जीवन में जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है खुदावन. We are in anticipations. हम अपेक्षाओं से भरे हैं. You are a God of paradox. आप एक पैराडॉक्स के खुदा हैं. You can do anything. आप कुछ भी कर सकते हैं. We believe in you. हम आप पे विश्वास करते हैं. I pray for them, Lord. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. Fill them with the Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दें. Let them get away from all that wishy-washy. ओ खुदावन, उस wishy-washy से वो दूर हो जाएं. And get in business with you. और आपके साथ एक लाइन में आ जाएं. For the hour is arriving. क्योंकि समय और घड़ी आ रही है. There'll be a call. एक बुलाहट होगी. And this bride would be gone. और दुल्हन चली जाएगी. Prepare us for that hour. हमें उस घड़ी के लिए तैयारी दीजिए. While we simply wait on you. जबकि हम साधारणता आपके ऊपर इंतजार करते हैं. The wise had oil. बुद्धिमानों के पास तेल था. Lord, every one of us have oil. ओ खुदावन, हमें से हर एक के पास तेल है. As I pray for them, Lord, give them oil. ओ खुदावन, जैसे मैं आपके आपसे प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तेल दीजिए. Fill them with that Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए. Fill all of us, Lord. खुदावन, हम सबको भर दीजिए. We are in need tonight. ओ, हम आज रात्रि बड़ी जरूरत में हैं. Strengthen us. हमें दृढ़ कीजिए. Do a paradox in our lives. हमारे जीवनों में अजूबा कीजिए. You're a God of paradox. आप एक अजूबा के खुदा हैं. In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. We ask this prayer. हमें प्रार्थना मांगते हैं. Amen. Amen. आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो. हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्शते हैं, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं. हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं. ये बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है. Amen and amen. God bless you and shalom. Shalom. God be with you. खुदावन आपके साथ हो. Amen. God bless you. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord.